हेलो व्यूअर्स, आज का युग मोबाइल का युग है। आज हम ना चाहते हुए भी अपने दिन में पूरे 5 से 6 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम मोबाइल से इतने घिरे हुए हैं, पर क्या रामायण काल में भी मोबाइल होते थे? तो बस इसी जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहे। अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें लेटेस्ट अपडेट्स जल्द से जल्द पाने के लिए। आपको यह सुनकर शायद ही विश्वास ना हो, लेकिन इस पर विचार किए जाने में कोई बुराई नहीं है। दरअसल भारत के लोगों ने दूसरे के कहने पर अपने इतिहास को मिथिक मान लिया, उस पर कभी विस्तृत रूप से शोध नहीं किया। प्राचीन इतिहास के प्रमाण कभी ना कभी नहीं ढूंढे गए। आजादी के बाद तो देश धूल मिट्टी में ही मिला दिया गया। तो दोस्तों, आज का आधुनिक युग का इंसान हमारे पुरातन समय के महाशस्त्र जैसे कि ब्रह्मास्त्र और उड़ने वाले रथ को देखकर हंसता था और इसका मजाक उड़ाता था। पर जब से न्यूक्लियर बॉम्ब और एरोप्लेन्स वगैरह का आविष्कार हुआ है, तब से इसकी बोलती खुद ब खुद बंद हो गई है। बस फर्क सिर्फ इतना है, पुरातन समय में यह महायंत्र मंत्रों द्वारा संचालित होते थे, पर आज के युग में यंत्रों द्वारा संचालित होते हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि लंका में दूर संचार यंत्रों का भी निर्माण होता था, जिसे आजकल दूरभाष या टेलीफोन कहते हैं। अब तो मोबाइल है, तो क्या रामायण काल में मोबाइल होते थे? माना जाता है कि दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था, जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। जब इससे वार्ता की जाती थी तो वार्ता से पूर्व इससे भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि प्रकट होती थी। संभवत इस ध्वनि प्रफुट के कारण इस यंत्र का नामकरण मधुमक्खी किया गया होगा। ये यंत्र राज परिवार के लोगों के पास रहते थे और इसके बल पर वह दूर दूर बैठे लोगों से बात कर लेते थे। यह बेहतर प्रणाली थी। शोध अनुसार विभीषण को लंका से जब निकाला गया, तब वह लंका से प्रयास करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाति को श्री राम के शरण में ले गया। राम का हित पूर्वी के लिए रावण के विरुद्ध इन यंत्रों का उपयोग भी उन्होंने किया था। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम एक यंत्र था, जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान कर सकता था। माना जाता है कि यह त्रिशूल वायरलेस ही होगा। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था, जो अंधकार में प्रकाश का आभास प्रकट करता था। लड़ाकू विमान को नष्ट करने के लिए रावण के पास भस्म लोचन जैसा वैज्ञानिक था, जिसने एक विशाल दर्पण यंत्र का निर्माण किया था। इससे प्रकाश पुंज वायु सेना पर छोड़ने से यान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। लंका से निष्कासित किए जाते वक्त विभीषण भी अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र ले आया था। इन्हीं दर्पण यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों का चौखाटों पर कसा और इन यंत्रों से लंका के यानों यानी कि विमानों की नष्ट होती चली गई। एक अन्य प्रकार का भी दर्पण यंत्र था, जिसे ग्रंथों में त्रिकाल दृष्टा कहा गया है, लेकिन यह यंत्र त्रिकाल दृष्टा नहीं बल्कि दूरदर्शन जैसा कोई यंत्र था। लंका में ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने पर ऊपर नीचे होते थे। यह चबूतरे संभव ही लिफ्ट होते होंगे। दोस्तों, अब तो आपको शायद मालूम पड़ ही गया होगा कि रामायण काल में मोबाइल का प्रयोग होता कि नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो यहीं तक ही था। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। जय श्री राम।